ये देखें कि सहरा के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक मड का कमरा बना हुआ है। ये इन लोगों की पानी की बोतल, ये देखें कि सहरा के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक मड का कमरा बना हुआ है। ये बाहर सोलर प्लेट रखी गई है छोटी सी, ये जस्ट इनके लिए मोबाइल चार्जिंग के लिए होती है। ये लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए सिर्फ छोटी सी सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इधर किचन एरिया है, ये चूल्हा बना हुआ है, इधर ये लोग अपना खाना बनाते हैं। और ये साथ में पत्थर की वो कुंडी पड़ी हुई है जिसके ज़रिए मसाला वगैरह कूटा जाता है ऐसे। ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है और साथ में ये एक दरख्त है छाँव में बैठने के लिए। ये सहराई दरख्त होता है, बहुत ही मज़बूत है। इसके देखें कि पत्ते नहीं है इसके, इसकी सिर्फ जो वो झाड़ी टाइप होती है वो ही इतनी घनी होती है कि उससे छाँव बहुत ज़्यादा हो जाती है। यह दरख्त के नीचे एक चारपाई रखी गई है आराम करने के लिए। ये जी बच्चे, बच्चों खेल रहे हैं आप? Yes. आप टायरों से खेलते हो यहाँ पर? Yes. आपको मजा आता है? बड़ा। वाह भाई वाह, मौज करा दी फिर तो आपने। हाँ जी, हाँ जी, मौज का मजा कर ले। खेलें, चलो खेलो, ये खेल दे। ये इस तरफ एक सहरा से ज़मीन से ऊंचा एक थड़ा टाइप बनाया गया है, यहाँ पर देखेंगे बर्तन रखे गए हैं। और ये एक लकड़ी का स्टैंड बनाया गया है, इसके ऊपर बर्तन लटकाए गए हैं ताकि जानवरों वगैरह से महफूज रहें। और ये है वो जिससे लस्सी और मक्खन बनाया जाता है हाथ की मदद से। ये तंदूर है रोटियां बनाने के लिए, अभी गर्म है अंदर से, लगता है जैसे आधा घंटा पहले यहाँ पर रोटियां बनाई गई हों। यहाँ पर रोटियां बनाई जाती हैं तंदूर से। आप देखें कि इर्द गिर्द सारा सहरा है और सहरा के बीच में एक कमरा बनाया हुआ है। यहाँ पर कच्चे कमरे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो कच्चे कमरे हैं वो पक्के कमरों के निस्बत ठंडे रहते हैं यहाँ पर। मैं जी इस वक्त सहराए चोलिस्तान के डीप डेजर्ट के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि सारा मेरे पीछे डेजर्ट का एरिया है और मैं ना तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करके अभी इधर सहरा के अंदर पहुँचा हूँ। सहरा के अंदर और बाइक चलाना उसके अंदर जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिधर से मैं अभी इस वक्त गुजर रहा हूँ ये सारा जो है वो बॉर्डर का एरिया है और इससे आगे बस चंद बस्तियाँ हैं और फिर आगे बॉर्डर शुरू हो जाता है और आगे फिर इंडिया। ठीक है, ये जी इधर चोलिस्तान के अंदर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, अल्लाह का घर बना हुआ है बहुत खूबसूरत, जहाँ पर ये लोग बस्ती वाले नमाज पढ़ते हैं। और देखें कि कितनी कलरफुल कलर किया गया है, देखेंगे कितना खूबसूरत कमरा बना हुआ है इधर। और ये साथ में चूल्हा बना हुआ है इधर किचन, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर।
ये देखिए कि अंदर से कमरा इस तरह का है। ये ऊपर एक छलक बनाई गई है मड से, ज़रूरत के बर्तन रखे गए हैं और यह सहराई लकड़ियों और सहराई घास से छत डाली गई है इसकी। और ये भी सहराई घास से बनाया गया है, इसके नीचे बर्तन रखे गए हैं। यह साथ में देसी घी खालस वो रखा गया है। ये लोग यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल करते हैं। अंदर से ये कमरा बहुत ठंडा है और इसके अंदर गर्मी महसूस नहीं हो रही, जबकि सहरा के बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये रोशनदान रखे गए हैं हवा के लिए। ये जी इधर चाय बनाई जा रही है ऊँटनी के दूध की। ये ऊँटनी का दूध है अंदर और पत्ती डाली गई है और सिंपल सा जो चूल्हा बनाया गया इधर सादा किचन है। और ये साथ में सीढ़ियाँ हैं इस कमरे के ऊपर जाने के लिए। ये घर के बाहर ही लकड़ियाँ घिरा गई की गई हैं आग जलाने के लिए। ये सहराई लकड़ियाँ होती हैं और बहुत ही मजबूत। खालस दूध की चाय बन रही है, बिल्कुल पानी से पाक 100% खालस दूध है ये। ये कितनी देर में बन जाएगी? बस ये अब उबाल आ गया तो फिर दो उबाल आ बन जाएगी। एक हो गया। ये देखे कि बहुत सारी तादाद में यहाँ पर भेड़े मौजूद हैं और यहाँ पर दरख्त के नीचे छांव में आराम कर रही हैं। ये जी बच्चा जा रहा है अपनी फैमिली के साथ कपड़े धुलवाने के लिए स्टोबे पे। इसने ये कपड़ों की गठली अपने सर पे उठाई हुई है और ये पीछे बच्चे आ रहे हैं दो, एक ने सर्फ पकड़ा हुआ है और एक ने साबुन पकड़ा हुआ है। क्या हाल है छोटे? ये क्या सर्फ लेके जा रहे हो? कपड़े धोने लगे हो? खुद धोओगे कपड़े अपने? ये खुद धोओगे आप? ये देखें जी चौरस्तान के बच्चे भी कितने मेहनती होते हैं। जी पार्क रेंजर के ऊँट हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आए हुए हैं और ये बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे ऊँट हैं, इनमें ऊँटनी कोई भी नहीं है, ये मेल हैं सारे। देखे लाइन में ऊँट जाते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, सहराई जानवर है ऊँट है।